हेलो दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर हो या फिर आप एक यूट्यूब बिगनर हो या फिर आप एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो ऐसे में आपको पता ही होगा कि यूट्यूब थंबनेल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अगर आपको भी जानना है कैसे हम मोबाइल से HD थंबनेल बना सकते प्रोफेशनल, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपको भी जानना है ये सब तो ये इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा शर्मा और स्वागत है हमारे कंप्लीट टेक चैनल में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मोबाइल से प्रोफेशनल HD थंबनेल बना सकते हैं, वो भी सिर्फ मोबाइल से। तो चलते मेरे मोबाइल स्क्रीन पे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा कैसे आप मोबाइल से प्रोफेशनल थंबनेल बना सकते हैं। दोस्तों, आपको सबसे पहले इस वाली एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है Pixel Lay। तो इस एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी दे दूंगा, आप वहां से क्लिक करके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप गूगल पे डायरेक्ट सर्च कर सकते हो Pixel Lay। तो आपको इस वाली एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हो तो उसके बाद आपको इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस नज़र आता है। तो सबसे पहले आपको इसका साइज सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको इमेज साइज पर क्लिक करना है। मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। उसके बाद आपको इसे कस्टम पे क्लिक करना है। कस्टम पे क्लिक करने के बाद आपको यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक करना है। तो यूट्यूब थंबनेल का जो साइज होता है वो होता है 1280x720। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको इसका कलर चेंज करना है। तो कलर चेंज करने के लिए आप नीचे की साइड आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको फॉन्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आपको फोर्थ नंबर वाले पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कलर वाले पे क्लिक करना है। कलर वाले पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कलर पे क्लिक करना है। अगर आप एक सिंगल कलर लेना चाहते हो तो आपको कलर पे क्लिक करना क्लिक करके सिंगल कलर को इंसर्ट कर सकते हो, या फिर आप अगर आप ग्रेडियंट कलर लेना चाहते हो यानी कि डबल कलर को ऐड करना चाहते हो अपने बैकग्राउंड में तो आप यहाँ से कर सकते हो। उसके लिए आपको ग्रेडियंट पे क्लिक करना है। ग्रेडियंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ये इस वाली पट्टी पे आपको क्लिक करना है। मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। तो इस वाली पट्टी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप एक यहाँ पे आपको कलर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको कलर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको कोई सा भी एक कलर ले लेना है। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको राइट साइड में एक पट्टी पर टैप करना है। उसके बाद आपको कलर में जाना है। कलर में जाने के बाद यहाँ से भी आप एक कोई सा भी कलर चॉइस कर सकते हो। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो कलर है वो आपका जो बैकग्राउंड है वो ग्रेडियंट कलर में हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर राइट पे क्लिक कर देना है। सबसे पहले आपको इसमें टेक्स्ट को ऐड करना है। तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर सेकेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको टेक्स्ट में जाना है। टेक्स्ट में जाने के बाद आपको एडिट में जाना है। एडिट में जाने के बाद यहाँ से आपको वो टेक्स्ट लिखना है जो आप लिखना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, जो मेरी वीडियो है वो है यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाएं। लिखने के बाद यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन और देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको फॉन्ट वाले ऑप्शन पे जाना है। फॉन्ट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे आपको अमरनाथ बोल्ड पे क्लिक कर देना है। तो ये फॉन्ट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है तो मैं ज़्यादातर इसी का इस्तेमाल करता हूँ। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद उसके बाद यहाँ पे आपको बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको इसे इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद यहाँ पे आपको कलर वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे आपको कोई सा भी एक कलर को चॉइस कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस वाले कलर को चॉइस कर लेता हूँ। चॉइस करने के बाद आपको इसे राइट पे क्लिक कर देना है। राइट पे क्लिक करने के बाद आपको उसके बाद यहाँ पे आपको स्ट्रोक का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इसे इनेबल कर देना है। इनेबल कर देने के बाद आपको राइट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा शैडो का, तो आपको इसको भी इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद आपको राइट पे क्लिक कर देना है। अब फिर से आपको बैकग्राउंड वाले में जाना है। बैकग्राउंड में जाने के बाद यहाँ पे आपको लेडिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इसे थोड़ा सा बढ़ा देना है। उसके बाद आपको राइट से भी बढ़ा देना है। उसके बाद आपको राइट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। आपको इस वाले पे पकड़ के आपको इसे थोड़ा सा तिरछा कर देना है। तिरछा करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है।
उसके बाद यहाँ पे आपको साइज का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको साइज पे क्लिक करना है और इसका जो साइज है आपको बड़ा दे, उसके बाद आपको राइट पे क्लिक कर देना है, उसके बाद आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कॉपी का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको सिंपली इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको एडिट पे जाना है, एडिट पे जाने के बाद यहाँ से आपको चेंज कर देना है, यहाँ से आपको इसे एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप कोई सा भी एक बैकग्राउंड ले सकते हो। उसके बाद आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे कलर का ऑप्शन दिखाई देगा, सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उसके बाद आपको कलर वाले पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हो, उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे इसे कॉपी करना है, कॉपी करने के लिए आपको कॉपी पे क्लिक करना है, कॉपी पे क्लिक करने के बाद आपको एडिट पे जाना है, यहाँ पे आपको इसे एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद आपको इसका जो बैकग्राउंड है उसे आपको चेंज करना है, तो आपको बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज कर देना है, बैकग्राउंड चेंज करने के बाद आपको राइट पे क्लिक कर देना। मैं आपको एक चीज और आपको बता देता हूँ, तो आपको नीचे थर्ड वाला ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ड्रॉ का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के पेन साइज आपको कम कर देना है, उसके बाद आपको फुल इनसाइट को ऑन कर देना है, उसके बाद नियॉन इफेक्ट को ऑन कर देना है, उसके बाद यहाँ पे आपको इस पे हल्का हल्का स्क्रेच करना है, थंबनेल है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग सकता है। उसके बाद आपको राइट पे क्लिक कर देना है, राइट पे क्लिक करने के बाद आपको ड्रो वाले ऑप्शन पे जाना है। ड्रो वाले ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ से आपको कोई सा भी एक कलर को चॉइस कर लेना है, जैसे मैं रेड कलर चॉइस कर लेता हूँ। उसके बाद रेड कलर चॉइस करने के बाद आपको पेन साइज को कम कर देना है, पेन साइज को कम कर देने के बाद आपको फिल इनसाइड को ऑन करना है और नियॉन इफेक्ट को ऑन कर देना है, उसके बाद आपको इसे इफेक्ट को ऐड कर देना है। तो इस तरह से आप इफेक्ट को ऐड करोगे, उसके बाद यहाँ पे आपको राइट पे क्लिक कर देना है, राइट पे क्लिक करने के बाद आपको तीनों पे इस तरह से इफेक्ट को ऐड कर देना है, जो थंबनेल है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग सकता है। उसके बाद आपको अपना एक फोटो लगा देना है, तो आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको गैलरी ओपन हो जाएगी। गैलरी ओपन होने के बाद यहाँ से आप कोई सा भी एक फोटो ले सकते हो। फोटो इंसर्ट करने के बाद आपका जो थंबनेल है वो कुछ इस तरह से लगेगा, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो और एक अच्छा सा थंबनेल क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको सेव एज इमेज पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव एज इमेज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ पे आपको फॉर्मेट पे आपको जेपीजी नॉट ट्रांसपेरेंसी रहने देना है। उसके बाद आपको सेव टू गैलरी पे क्लिक करना है, आपकी जो थंबनेल है वो गैलरी में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों देखा आपने कितना आसान है HD प्रोफेशनल थंबनेल बनाना, वो भी मोबाइल से। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, इसी तरीके इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए।